नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और इस समय आप हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे और आप देख रहे हैं, मैंने जी न्यूज़ हिंदी का एक वेब पेज खोल के रखा है और जहां पे लिखा हुआ है कोरोना काल में लोन चुकाने की टेंशन होगी ख़त्म, ये हुआ तो 2 साल तक ईएमआई से रहेंगे बेफिक्र। देखते हैं दोस्तों आगे का क्या कहा जाता है। इसमें लिखाया दे रहा है कि कोरोना संकट के काल में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किसी की सैलरी कम हो गई है, किसी की जॉब चली गई है और इस समय भाई लोन भरने के लिए लोग अपनी कोई एफडी डलवा रहे हैं, कोई पीएफ का पैसा निकलवा रहे हैं। कारण हुआ क्या है कि लोगों को अपना भाई खर्चा तो निकालना है और जिनकी जॉब चली गई है, जिनका बिजनेस बंद हो गया है, उनको ये सब करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि भाई मार्च से 31 अगस्त तक की जो मॉरेटोरियम की अवधि थी वो ख़त्म हो रही है और इसके बीच में बहुत लोगों को मॉरेटोरियम मिला था, जिन्होंने मॉरेटोरियम का फ़ायदा उठाया और उनको ईएमआई से राहत मिली। पर जैसे 31 अगस्त को ये अवधि ख़त्म हो रही है तो इसके बाद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कई वीडियो में, कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम आ रही है जो आरबीआई ला रहा है और इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आगे कहते हैं क्या है वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तो गाइस इसमें कहते हैं, ये स्कीम में तहत बैंक अपने ग्राहकों का लोन रीपेमेंट शेड्यूल बदल देंगे। मतलब ये है कि भाई बैंकों के पास जिन लोगों का लोन चल रहा है उसमें उनकी अवधि बढ़ा देंगे या फिर कुछ स्टेप अप या स्टेप अप डाउन का जो प्रोडक्ट होता है वो लाएंगे। और इसमें हर तरह के लोन हैं, जैसे कि आपका रिटेल लोन, जैसे होम लोन हो गया, एजुकेशन, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, इवन कंज्यूमर लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, मॉर्गेज, हर तरह का लोन इसमें शामिल है। अभी तक इसमें ये कहा जा रहा था कि कमर्शियल व्हीकल शामिल नहीं होगा, लेकिन कई सोर्सेस पता लगा है कि इसमें कमर्शियल व्हीकल भी शामिल किया जा चुका है। तो भाई इसमें क्या है, इसमें आगे कहते हैं कि भाई इसके ईएमआई चुकाने के लिए अलग अलग विकल्प दिए जाएंगे लोगों को। इसके अलावा ग्राहक की ईएमआई कुछ को महीने के लिए कम किया जा सकता है, यानी आपकी ईएमआई कुछ समय के लिए कम किया जा सकता है या फिर कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता है। गाइस काफ़ी अच्छी खबर आ रही है कि भले ये मॉरेटोरियम नहीं है, इसका नाम है लोन रिस्ट्रक्चरिंग, फिर भी आपको ईएमआई यहाँ पे टाला जा सकता है। वो डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट और आपका प्रोडक्ट कौन सा, यानी आपने कौन सा लोन लिया है। इसमें कहते हैं मिल रही खबरों के मुताबिक भाई ये 2 साल तक इसमें बढ़ाया जा सकता है आपका, यानी ग्राहकों को 2 साल तक ईएमआई ना भरने का भी विकल्प मिल सकता है। देखिए काफ़ी बड़ी बात कही जा रही है कि 2 साल तक ईएमआई ना भरने का विकल्प मिल सकता है। इसके अलावा लोन ब्याज की दर में कितनी होगी, किस ग्राहक को कितनी छूट दी जाएगी, इसमें फैसला बैंक खुद तय करेगा। आगे देखते हैं, इसमें लिखते हैं भाई किसे होगा फ़ायदा। भाई इसमें ऐसा है कि जिनकी जॉब चली गई है, जिनका लोन बंद, जिनका धंधा बंद हो गया है, उनको मिलेंगे। इस श्रेणी में डिफॉल्टर यानी एनपीए नहीं आएंगे, एनपीए को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैंने एक वीडियो में और बताया है कि भाई डिफॉल्टर को भी मिलेगा रीस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। मॉरेटोरियम से लोन रिस्ट्रक्चरिंग कैसे अलग है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि भाई मॉरेटोरियम में आपको किस्त नहीं चुकानी थी, लेकिन इसमें आपको जो इंटरेस्ट था वो देना पड़ रहा सकता था, आपका इंटरेस्ट जुड़ रहा था, जिसमें आपकी जो मॉरेटोरियम की ईएमआई चालू होगी वो ईएमआई बढ़ जाएगी। बट लोन रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा कि आपकी ईएमआई होगी वो आपके अकॉर्डिंग सेट की जाएगी या तो उसमें छूट दी जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी एक जी न्यूज़ की तरफ से ये आप देख सकते हैं कि जी न्यूज़ की तरफ से ये पूरा अपडेट आया है, तो इसमें हम जान सकते, पूरा विश्वास कर सकते हैं। और ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है ये अगस्त के बाद यानी सितंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएगा। तो दोस्त यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दो व्हाट्सएप शेयर में, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड जो टेंशन में होंगे उनके काम आ जाएगा, उनकी जो टेंशन है दूर हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।